खबर पिपरिया से। प्रबल विश्वकर्मा, जो बनखेरी के हनुमान घड़ी चिकलोद का निवासी है, इसके पड़ोस के कुछ लोग इसे परेशान करते हैं, मारते हैं। पड़ोसियों की शिकायत बनखेरी पुलिस थाने में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा प्रबल के द्वारा बताया गया। पड़ोसी फिर से परेशान और मारपीट करते रहे। इन सब से परेशान होकर प्रबल अपने परिवार और गर्भवती पत्नी को लेकर पिपरिया भाग आया। पिपरिया के माधवदास अग्रवाल और टीटी क्लब के सदस्यों ने इनकी भोजन की व्यवस्था कराई और अस्पताल पहुंचाया। अब वो पिपरिया अस्पताल में इंसाफ की राह देख रहा है। सुनिए प्रबल की जुबानी उसी की कहानी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम प्रबल विश्वकर्मा। कहाँ से आए आप? जी मैं बनखेड़ी हनुमानगढ़ी चिल्लोद से आया हूँ। क्या मामला है, किस कारण से आए? सर मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है, वहाँ के सूरज नाम के लड़के ने और उसका भाई कल्लू और अर्जुन नाम लिखता है, और एक उसका साथी है जो महाराष्ट्र का है, उसका नाम सुरेश है, और उनके लेडीज हैं सर। मेरे को और मेरी लेडीज को उन्होंने बहुत मारा है। मैं थाने आया, थाने से रिपोर्ट लिखवाई, मैंने कंप्लेंट भी की, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की सर। हम गजा उनसे बोलते हैं तो वो हमको लठ मारते हैं, और थाने वाले भी हमारी मिसेज को ऐसी गाली दे रहे हैं कि जैसे कि उनकी मिसेज है सर। ऐसा कब तक चलेगा? मेरी आवाज़ कब तक पहुँचे? मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये मेरी मिसेज है, थोड़ा इनसे पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशी वाली है, विश्वकर्मा। क्या मामला है बताइए? मेरा ये मामला है साहब, मैं सब्जी बघा रही थी, सब्जी बघाते में 15 जनों ने मुझे अकेले आकर मुझे मारा। किस बात से मारा? मुझे ये बात पता ही नहीं उन लोगों ने। अच्छा, क्या व्यवसाय करते हैं वो लोग जिनने मारा है आपको? वो कुंडी कब्बसी वाले हैं, कब बेचते हैं। अच्छा, तो वो वहीं रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? वो रहते बनखेड़ी में है, लेकिन वो सब घर भर आया था मेरे घर। मेरे घर खाना बनाते हुए मुझे मारा, मेरे आदमी को मारा, मेरी बच्ची को, मेरी सास को, मेरे देवर को मारा। इन लोगों ने हटाने की कोशिश कहा कि जी गर्भवती इसको हटा दे, लेकिन जिन उन लोगों ने इन लोगों की कुछ नहीं सुनी। मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा कान में से खून निकल रहा है, कान फोड़ दिया। सर वो हमको जान से मारने के लिए तैयार है। वो हम घर जाते हैं तो ये बोलते हैं हम आपको जान से मार देंगे। उनके हाथों से मरना है, हमको उनके हाथों से नहीं मरना। थाने में धमकी देके जा रहे हैं। पिपरिया थाने में आपने इस बात की शिकायत दर्ज कराई? पिपरिया थाने में सूचना नहीं दी आपने? क्योंकि पुलिस वालों को भरोसा ही नहीं बचा ना सर, क्योंकि जब वो पुलिस वाले हमको ऐसी गाली दे रहे हैं मारने के लिए तैयार है, तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करें? उनके हाथों से मरना कि हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेगा, ऐसा नहीं होता ना। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।